तो जी यकीनन आप लोगों के जहनों में सवाल आया होगा कि रील्स तो बड़ी तेजी से आ रही हैं, लेकिन ये व्लॉग वाला सीन तो कहीं पर गायब ही हो गया। तो जी आज हम घर पे अकेले हैं, तो आज हम व्लॉग बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैं कभी अकेला घर पे रुका नहीं, बहुत दफ़ा रुका हूँ और हमेशा बोर होता हूँ, बट इस बार कोशिश करेंगे कि बोरियत को दूर ही रखें। तो इसका एक आसान सोल्यूशन ये है कि कुछ ना कुछ करते रहें, और चूंकि हम घर पे अकेले हैं और जब घर पे अकेले होते हैं तो सारे काम हमने खुद करने होते हैं, और जो काम मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया वो मैं आज करूँगा, घर की सफाई। जी हाँ, करना तो पड़ता है। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मोबाइल की चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा कम है और मेरी वॉच की भी चार्जिंग कम है, तो इन दोनों चीज़ों को चार्ज पे लगाते हैं। तो चार्ज पे लगा दिया, अब मोबाइल को चार्ज करते हैं। और जब आप घर अकेले होते हो तो आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं, जैसे कि फाइल उतराई और खाना पीना भी हम भी कर रहे हैं, सफाई। मुझे भूख भी लग रही है तो ज़रा खाना बनाते हैं, मतलब थोड़ी सी भूख लग रही है, वो जो नाश्ते के बाद 10-11 बजे भूख लगती है ना वो वाली, तो खाना नहीं बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे। और सिर्फ हम खुद बनाएंगे नहीं, आपको भी बताएंगे कि चिप्स कैसे बनाते हैं। तो फिर आइए हमारे साथ किचन में और सीखिए कि आलू के चिप्स कैसे बनाते हैं। Presented by Zen के व्लॉग। और आलू के चिप्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आलू, छुरी, पीलर और कटिंग बोर्ड। साथ में ही मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि साथ में कढ़ाई चूल्हे पर रख देना, इतने में तेल गर्म हो जाए, टिप मान लो। वैसे तो ये व्लॉग था, ये तो ट्यूटोरियल लगने लगे आलू के चिप्स का। खैर देखें देखें, बहुत अच्छे चिप्स बनाता हूँ, एक्सपीरियंस है भाई को। आपके भाई ने चिप्स बनाने में इतना टाइम लगा दिया कि अब खाने का टाइम हो चुका है। चिप्स तो खा लिए हैं तो हम खाना बनाते हैं, क्योंकि मैंने तो चिप्स खा लिए हैं लेकिन मेरे भाइयों ने कुछ नहीं खाया। जी हाँ, मेरे साथ दो भाई और भी हैं तो उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो अब खाना बनाते हैं, फिर सारे बैठ कर खाना खाएंगे, खाने का टाइम तो हो चुका है। खाना हो चुका है, अब सोना रहता है, लेकिन घर पे अकेले हैं तो सोने वाले को मिस कराते हैं। खाना पीना भी हो चुका है, घर की सफाई भी हो चुकी है, सो नाउ आई स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड।
थोड़ा थोड़ा ना अभी फील हो रहा है और ऐसा ऐसा ये फीलिंग बढ़ती गई। तो अभी मुझे भूख लग रही है, घर पे मैं अकेला हूँ, बाहर भी नहीं जा सकता, तो अभी कुछ घर पे ही बनाने की कोशिश करते हैं। एक चीज मैंने अभी नोटिस किया कि अभी तक पूरी वीडियो के अंदर मैंने ये टोपी नहीं उतारी। और हाँ, बस मैंने सुबह जब वो जो शॉट थी ना जिसमें मैं उठ रहा था, हाँ मैं जाग काफी पहले गया था, 7:30 बजे जाग गया था। करना पड़ता है वीडियो के लिए, अच्छा व्लॉग बनाने के लिए अच्छी विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। तो बस उस शॉट में मैंने ये टोपी उतरी हुई थी, उसके बाद जब मैंने पहनी तो अभी तक मैंने इसको नहीं उतारा। वैसे ये बताना जरूरी तो नहीं था, मैंने सोचा आपको बता दूँ, बोर हो रहा हूँ ना, तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़े कुछ बता देता हूँ। मैं हर वक्त टोपी क्यों पहन के रखता हूँ, इसकी बात हम लोग कभी और किसी और वीडियो में करेंगे, फिलहाल इसको मिस कराते हैं। अरे भाई क्यों मिस कराते हैं, ये तो एक ज़रूरी बात है, बता देते हैं हम क्यों टोपी पहनते हैं। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं बाल बढ़ा रहा हूँ, तो बाल जब छोटे होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, मतलब ट्रिम्ड आउट होते हैं। बाल जब बड़े होते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं, बट जब बाल इसके दरमियानी स्टेज में होते हैं, जब आप बाल बढ़ा रहे होते हो, तो वो स्टेज बहुत गंदा होता है, बाल बहुत बुरे लगते हैं। इसीलिए मैंने टोपी पहनी होती है, बालों को कवर किया होता है, तो ये सीन है। अरे नहीं भाई, एक्सपेक्ट भी ना करना कि मैं टोपी उतार के आपको दिखाऊंगा कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, कम अज़ कम मेरे से तो ये एक्सपेक्टेशन ना रखना। भाई अब देख ही लिए हैं तो देख लो, खैर इतने बुरे भी नहीं लग रहे। खैर आप लोग अब देख चुके हो, क्या कर सकते हैं, कभी कभार मैं झूठ बोल देता हूँ। हेलो जी, क्या हाल है, आज है day 2। अभी थोड़ी देर पहले मैं उठा हूँ, करेंटली टाइम हो रहा है 10:10, और सीन्स कुछ ऐसे हैं कि कमरा काफ़ी ज़्यादा बिखरा पड़ा है, ठीक है, हर चीज़ कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी हुई है, तो इसको सेट करना है और उसके बाद मुझे एक ज़रूरी काम है जो आज और अभी ही निपटाना है, तो वो करना है। उससे पहले ये ज़रा कमरा सेट करते हैं, तभी तो काम करने में मज़ा आएगा। ये अभी मैंने झाड़ू लगाया और सिर्फ इतना सा गंद निकला है, ये अंदाज़ा लगा लो। और ये मैंने नहीं खाया, सच में मैंने नहीं खाया, ये बात मैं सच ही बोल रहा हूँ, कभी कभार झूठ बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं। अब देखो ये तो मेरे कमरे से इतना गंद निकला है ना, क्योंकि मैं सफाई पसंद हूँ, मेरे भाई नहीं, तो बाहर से जो गंद निकला है वो ऑन कैमरा मैं नहीं दिखाऊंगा, अब सब कुछ दिखाऊंगा फिर। तो ये मैं वैसे ही डायलॉग मार रहा था, टाइम नहीं था असल में, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं किया। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त हुआ चाहता है, और बहनों अगर देखती हैं, वक्त हुआ चाहता है एक अदर टिप का, अगर मुझे आप बड़ा भाई या छोटा भाई मानते हो तो इस टिप पर अमल ज़रूर करना कि अगर आप घर पर अकेले हो तो पहले बेशक जितना मर्जी गंद बना लेना, जो मर्जी करना, लेकिन जब आपके घर वाले आने लगे हों तो उससे पहले सफाई ज़रूर कर देना अगर मार नहीं खाना चाहते। नहीं भाई, मैं बिल्कुल गंद नहीं बनाता, मैं बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हूँ, बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखता हूँ, मैं बस ये आपको एक टिप देना चाहता था कि अगर आप मार से बचना चाहते हैं तो मैं सफाई का ख्याल रखता हूँ। कोई बात तो भाई की भी मान लो ना, एक्सपीरियंस से ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपने सफाई की हुई हो तो वो घर वाले नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन अगर सफाई ना हुई भी हुई तो वो घर वाले ज़रूर नोटिस करेंगे, और चप्पल दूर से आएगी और बहुत ही ज़ोर से आएगी, तो बचना चाहते हो तो कर लेना। तो जी, हमारी आज की नशरियात यहाँ पर अख्ताम पजीर होती हैं, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। भाईजान ने तो वीडियो एंड कर दी, लेकिन ये वीडियो यहाँ पर एंड नहीं होती, इसके बाद हो जाएगी। हमने कहा कि हम भी आपको सलाम कर दें, तो अस्सलामुअलैकुम, वीडियो ख़त्म, आओ यहाँ से, आगे एक आउटरो होएगा तो वो देखना, अल्लाह हाफिज।